सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज जो है हम लोग आपसे बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर मिड साइज SUV विटारा ब्रिज़ा के बारे में, जिसे जो है मारुति जल्द ही इंडियन मार्केट में एक बिल्कुल नए डिजाइन, फीचर और सेफ्टी के साथ जो है लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और आपको बता दें, कई जगह जो है नई ब्रिज़ा को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया जा रहा है। नई ब्रिज़ा जो है वो आपको मारुति की काफी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है इस बार देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो इस बार नई ब्रिज़ा में किए गए हैं और सेफ्टी का भी जो है यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। वहीं आपको बता दें, मारुति जो है अपनी नई ब्रिज़ा को एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बिल्ड कर रहा है। विटारा ब्रिज़ा अपने सेगमेंट में सनरूफ के साथ आने वाली पहली कार होगी। क्या क्या चेंजेस जो है इस बार मारुति ने अपनी नई ब्रिज़ा में किए हैं, उन सब के बारे में जो आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग इसके एक्सटीरियर के डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन में जो है वो कोई ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर एक्सटीरियर के डिजाइन को, इंटीरियर को और सेफ्टी को और वहीं इंजन मैकेनिज्म में टोटल चेंजेस जो है वो यहाँ पर इस बार किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें नई ब्रिज़ा में मिलने वाले एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में, तो इसका डिजाइन जो है वो यहाँ पर इस बार बिल्कुल ही चेंजेस इसमें किए गए हैं। सबसे पहले अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, तो फ्रंट से देखने में जो है आपको नई ब्रिज़ा काफी ज्यादा शानदार देखने को लगेगी। वहीं इसके फ्रंट में जो है आपको एक मारुति के बैचिंग की कैस्केडिंग फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी और उसी के साथ जो है आपको ड्यूल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ व्हाइट कलर की लाइट जो है निकालेंगे। और उसी के साथ नीचे की तरफ आपको इसमें नए डिजाइन के फोगो लैंप देखने को मिलेंगे और बम्पर स्किड प्लेट फ्रंट और रियर में देखने को मिलेगी। और वहीं ग्रिल के साथ ही जो है आपको एक 360 डिग्री कैमरा इसमें देखने को मिलेगा। ORBM विद टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर ORBM एंड डोर हैंडल, साइड क्लैडिंग विद क्रोम फिनिशिंग। और उसी के साथ अगर हम लोग इसके रियर प्रोफाइल की बात करें, तो रियर से भी जो है देखने में काफी ज्यादा लुक को चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको ड्यूल LED लैंप देखने को मिलेगी और उसी के साथ आपको टेलगेट के ऊपर मारुति की बैचिंग और उसी के साथ जो है आपको नीचे की तरफ ब्रिज़ा की बैचिंग देखने को मिलेगी। रूफ इंडिकेटर, स्पॉइलर विद ब्रेक लाइट, हाई माउंट स्टॉप लाइट, रूफ रेल, शार्क पिट एंटीना, एक नए डिजाइन का बंपर आपको इसमें देखने को मिलेगा और 16 इंच के न्यू डिजाइन के अलॉय व्हील इस बार आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर वहीं हम लोग बात करें नई ब्रिज़ा में मिलने वाले इंटीरियर फीचर के बारे में, तो इंटीरियर जो है वो आपको हाई एंड कंफर्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो इस बार यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहले नजर पड़ती है हमारी डैशबोर्ड पे, जो कि यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा प्रीमियम दिया गया है, जो कि आपको काफी लग्जरी फील कराएगा। ड्यूल टोन कलर में जो है वो आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और वहीं डैशबोर्ड के साथ लगा 9 इंच टच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मारुति का आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सुजुकी कनेक्टी, वॉइस असिस्ट, एलेक्सा कनेक्ट और वहीं उसी के साथ आपको इसमें 7 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, टिल्ट और टेल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लो बॉक्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, लार्ज बूट स्पेस, 4 स्पीकर विद 2 ट्विटर ऑडियो सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, एडवांस कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी, न्यूली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको सियाज और एसक्रॉस में देखने को मिलता है, गियर शिफ्टर इंडिकेटर, ब्रेक असिस्ट, हेडसअप डिस्प्ले जो कि आपको रिसेंटली अभी मारुति अपनी बलेनो में दे रही है और उसी के साथ जो है अब आपको बलेनो के बाद हेडसअप डिस्प्ले जो है वो नई ब्रिज़ा में भी देखने को मिलेगी। ये तो थे नई ब्रिज़ा में मिलने वाले कुछ इंटीरियर के फीचर। और अगर वहीं बात कर लें सेफ्टी के बारे में, तो इस बार जो है सेफ्टी में काफी ज्यादा ध्यान इस बार यहाँ पर दिया गया है। नई ब्रिज़ा में जो है वो आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे, ABS विद EBD, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, पैडल शिफ्टर, ऑटो विंडो अप, ऑटो डिमिंग, ORBM जैसे कई शानदार फीचर जो है आपको इसके सेफ्टी में देखने को मिलेंगे। और वहीं हम लोग बात करें इसके इंजन मैकेनिज्म के बारे में, तो इंजन मैकेनिज्म में भी जो है वो काफी ज्यादा चेंजेस इस बार यहाँ पर किए गए हैं। मारुति ब्रिज़ा में जो है आपको मारुति का एक बिल्कुल नया 1.5 लीटर का K-सीरीज 4 सिलेंडर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 105 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा और 132 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये इंजन जो है वो आपको 5 स्पीड की मैनुअल और 6 स्पीड की टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक की ऑप्शन में देखने को मिलेगा। वहीं नई ब्रिज़ा जो है वो आपको कंपनी फिटेड CNG के ऑप्शन में भी ऑफर की जाएगी। नई ब्रिज़ा का मुकाबला जो है वो इंडियन मार्केट में आपको किया की सोनेट, हुंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन और महिंद्रा की XUV300 जैसी गाड़ियों से देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें हम लोग नई ब्रिज़ा के प्राइसिंग के बारे में, तो नई ब्रिज़ा जो है वो आपको टोटल 4 वेरिएंट में देखने को मिलेगी, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। LXi वेरिएंट जो है वो आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस जो है वो आपको 8 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल सकता है। और वहीं ZXi प्लस का जो प्राइस होगा, जो कि टॉप वेरिएंट है, उसका जो प्राइस होगा वो आपको 12 लाख के आसपास जो है एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। और वहीं नई ब्रिज़ा जो है आपको 2 नए कलर ऑप्शन के साथ भी देखने को मिलेगी। और अगर वहीं हम लोग बात करें नई ब्रिज़ा के लॉन्चिंग के बारे में, तो मारुति जो है जुलाई की एंड में जो है
अपनी विटारा ब्रीजा को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। सो गाइस आपको मारुति सुजुकी की नई ब्रीजा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस फिलहाल तो मैं आज की इस वीडियो को यहाँ पे करूंगा एंड आई होप गाइस आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं गाइस जल्दी ही एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।